हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं CA फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने लॉगरिथम टॉपिक का टिल क्वेश्चन नंबर 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो आपको दिया है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम इज कॉल्ड डैश है एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड। तो इंटीग्रल पार्ट पहले है, बाद में डेसिमल पार्ट है। तो मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर लिया था फर्स्ट लेक्चर लॉगरिथम टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज़ द मैंटिसा। तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है यानी कि जो इंटीजर पार्ट होता है लॉग में, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो डेसिमल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैंटिसा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है इफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2 दिया है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही आसान है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमें गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो लॉग टू द बेस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, माइनस यहाँ पर भी देखो आपको लॉग टू द बेस 4 है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू देखो आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है और सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन हो जाता है मालूम है आपको। तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग टू द बेस 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। थोड़ा और मैं इसे मॉडिफाई करूंगा, या तो फिर आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये लॉग के फॉर्म में दिया है, हम इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉग के बाद जो नंबर वो नंबर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे बेस में है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 2 पावर में जाता है, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो क्या मिलेगा देखो आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर किया तो 16 आएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 16x प्लस क्या आएगा, 16 आएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16x एंड इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस 16 है, माइनस 16 आएगा यहाँ पर, तो माइनस 16 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 16x को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस 16x, प्लस 16 को भी शिफ्ट किया तो माइनस 16, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16x, तो ये हो जाएगा माइनस 15x और ये माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स, तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है फैक्टराइज करना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, ये देखो आपका फैक्टर बनेगा क्योंकि माइनस 16x प्लस 1x आपको मिलेगा माइनस 15x एंड माइनस 16 इंटू 1 किया तो माइनस 16 मिलता है। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 16, लास्ट टू टर्म में प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट हियर x माइनस 16 वन ब्रैकेट, x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 16 मिलेगा और x का वैल्यू आपको माइनस 1 मिलेगा। बट हम लॉगरिथम में x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लिखते हैं, तो x इक्वल टू 16 देखो आपका आंसर आएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। सो देखते हैं हमको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन देखो सी आपका राइट है, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन में 33 आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग 60 टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 60 टू द बेस 4 प्लस 1 अपॉन लॉग 60 टू द बेस 5। सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, देखो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन लॉग 60 प्लस 1 अपॉन लॉग 60 टू द बेस 3 है, 1 अपॉन देखो यहाँ पे लॉग 60 टू द बेस 4 है प्लस 1 अपॉन लॉग 60 टू द बेस 5 दिया हुआ है। अगर आप ईच टर्म को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे बेस सबका डिफरेंट है, 3 4 5 है, बट लॉग के बाद जो नंबर है वो सेम है, 60 60 60, तो अगर हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे तो सबका बेस 60 सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करूँगा तो ये 1 अपॉन है ना, तो 1 अपॉन निकल जाएगा,
ये हो जाएगा आपका log 3 टू द बेस 60 हो जाएगा प्लस बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 60 प्लस ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 60। दिस वे सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस इज इक्वल टू, सबका बेस सेम हो गया तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं log का, सो दिस आई कैन राइट log टू द बेस 60 कॉमन हो गया और ये प्लस रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो 3 इंटू 4 इंटू 5, सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 60 है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 किया तो 60 मिलेगा, log 60 टू द बेस 60 आंसर 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सिचुएशन नंबर 34 देखो आपको दिया है, इफ़ log 2 का वैल्यू दिया है 0.3010, log 3 का वैल्यू दिया है 0.4771, देन द वैल्यू ऑफ log 24 पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे log 24 का वैल्यू पूछा है तो मैं log 24 से स्टार्ट करता हूँ। अब 24 को मैं 2 और 3 में कन्वर्ट करूँगा, ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि हमें log 2 और log 3 का वैल्यू पता है, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 24 का फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 3 करोगे तो 24 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24। तो मैंने क्या किया, जस्ट 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। सो दिस विल बी सेम एज, ये हो जाएगा आपका देखो log 2 प्लस log 2 हो जाएगा प्लस log 2 हो जाएगा और ये प्लस log 3 हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको पता ही है log का, सो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, तो 3 टाइम्स log 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 2 और ये प्लस log 3 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाई log 2 का तो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में आपको, log 2 का वैल्यू दिया है 0.3010 प्लस log 3 कितना दिया है, log 3 का वैल्यू है 0.4771, देखते कितना आता है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 0, 3 वन ज़ा 3, 3 ज़ीरो 0, 3 3 ज़ा 9 और ये 0.9030। इसमें आपको ऐड करना है 0.4771, ऐड करके देखो क्या आता है, तो 0 और 1 तो 1 हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, फिर देखो 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा, 1.3801 आंसर आएगा। तो log 24 का वैल्यू क्या आएगा, 1.3801, दैट मीन्स ऑप्शन सी देखो आपका करेक्ट है, 1.3801, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 35 है, द वैल्यू ऑफ log 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस प्लस अप टू nq दिया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो गिवन थिंग से हमें क्या दिया है, log ऑफ देखो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस प्लस अप टू 1 क्यूब को हम रीड कर सकते हैं सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, जब भी आप सिक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टडी करोगे तो वहां से आपके पास डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा, 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस प्लस अप टू nq का डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला सीक्वेंस एंड सीरीज से है। इसका फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला इसका है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई कैन देखो log के बाद ये 2 है तो 2 यहां पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 टाइम्स log ऑफ क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा आपका n+1 और ये डिवाइड बाय 2 पूरा ब्रैकेट में जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो देखो मैं यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन में, जो डिवीज़न है वो देखो जब log का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो डिवीज़न सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका log n+1 माइनस देखो यहाँ पर log 2 हो जाएगा। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में ये log ऑफ n+1 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा आपका log n प्लस log ऑफ n+1 माइनस दिस इज log 2, 2 से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू log n प्लस 2 इंटू log ऑफ n+1 माइनस 2 इंटू ये देखो log ऑफ 2 हो जाएगा।
तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन बी देखो करेक्ट है, 2 log n + 2 log n + 1 - 2 log 2। तो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल था। नाउ सिक्वेशन में 36 देखो आपको पूछ रहा है, इफ़ log टू द बेस 3 है, log टू द बेस 4 है, फिर log टू द बेस x, log x टू द बेस 2 है इक्वल टू 0 दिया है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और आपको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, मैं देखो क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर, दिस इज log टू द बेस 3, ठीक है, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट है, log टू द बेस 4 है, फिर यहाँ पर देखो log x टू द बेस 2 आपको दिया है, ब्रैकेट क्लोज दिया है, और इक्वल टू आपको 0 दिया है। तो जस्ट आप इतना ऑब्जर्व करो, ठीक है, देखो ये log टू द बेस 3 है और ये इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। देखो ये log के फॉर्म में है, हम इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो log के बाद जो पूरा टर्म है ना, वैसे ही लिखो आप, log टू द बेस 4, फिर यहाँ पर देखो आपका log x टू द बेस 2, ठीक है, ये ऐसे ही लिखो, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 3 बेस में है तो बेस में रहेगा, और ये 0 चला जाएगा आपका पावर में, रूल आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा आपका देखो log टू द बेस 4 एंड दिस इज log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। अगेन हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको सेपरेट रखो, log टू द बेस 4 है और log के बाद सपोज ये कोई नंबर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या हो जाएगा, दिस नंबर दैट मींस log x टू द बेस 2 विल बी इज इक्वल टू, ये 4 देखो यहाँ पर बेस है तो बेस रहेगा, और ये 1 पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 raised to 1 is 4। अगेन यूज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 बेस में है और ये पावर में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका, देखो आंसर 16 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी देखो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सिक्वेशन में 37 देखो आप पूछ रहा है, क्वेश्चन है इफ़ log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 log x + log y। ये गिवन थिंग है, इसे सिंप्लीफाई करना है और इसमें से कोई एक ऑप्शन आना चाहिए जो कि x² + y² का वैल्यू रहेगा, तो हमें ये यूटिलाइज करके x² + y² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ गिवन थिंग से, हमें यहाँ पर दिया है log ऑफ देखो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 है, फिर यहाँ पर देखो log x प्लस log y आपको दिया है, ठीक है। जब बोथ साइड में log होता है ना, तो मोस्टली हम लोग कंपेयर करते हैं, बट कंपेयर करने के लिए आपको ये हाफ को रिमूव करना होगा, तो मैं 2 को यहाँ पर लेकर के आता हूँ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स देखो आपका log x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, log x प्लस log y बचेगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log y, log का प्रॉपर्टी हो जाएगा, सो दिस इज log x इंटू y हो जाएगा। अब बोथ साइड हम कंपेयर कर सकते हैं, log log आपका जाएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर x माइनस वाई द होल स्क्वायर अपॉन ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू log log जाएगा x इंटू वाई बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन हमें मिलेगा, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ये 4xy हो जाएगा, एक्सपांड करो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता है a² + b² - 2ab, तो इसका फॉर्मूला आएगा x² + y² - 2xy = 4xy दिया हुआ है। हमें x² + y² का वैल्यू चाहिए इक्वल टू 4xy - 2xy राइट साइड में जाएगा तो +2xy हो जाएगा, सो x² + y² का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 6xy मिलेगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी देखो करेक्ट है, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सिक्वेशन में 38 देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a का पावर दिया है, देखो पूरा जो ब्रैकेट है ना वो a का पावर है, log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c इंटू log t टू द बेस d। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है a b c d में। तो सबसे पहले ये जो a का पावर दिया है ना वो log के फॉर्म में है, मैं उसे ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, देखते क्या आता है।
तो हमें यहाँ से देखो सॉल्यूशन ए एज इट इज़ रहेगा, उसके पावर में जो भी दिया है ना मैं वो लॉग को सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का मतलब हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं लॉग का। तो देखो ये लॉग बी टू द बेस ए है, तो हम इसे पावर में लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, देन मल्टीप्लाइड है लॉग सी टू द बेस बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग सी अपॉन, देखो ये लॉग बी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉग डी टू द बेस सी है, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग डी अपॉन क्या आएगा, देखो ये लॉग सी आएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉग टी टू द बेस डी है, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग टी अपॉन लॉग डी। सिंपली हमने क्या किया, ए के पावर में जो लॉग दिया है उसमें हमने चेंज ऑफ बेस लॉ का रूल यूज़ कर दिया है, कैंसिलेशन हो जाएगा। देखो लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल, लॉग डी कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है, देखो आपको यहाँ पर ए का पावर क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे लॉग टी बच रहा है अपॉन लॉग ए बच रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है लॉग टी अपॉन, देखो यहाँ पर लॉग ए बच रहा है, दिस इज इक्वल टू। अब ए का पावर अगेन मैं चेंज ऑफ बेस लॉ रिवर्स वे में यूज़ करूँगा, लॉग टी अपॉन लॉग ए को मैं लिख सकता हूँ पावर में लॉग टी टू द बेस ए, सेम थिंग है लॉग टी टू द बेस ए का मीनिंग होता है लॉग टी अपॉन लॉग ए। अब अगेन देखो यहाँ पे एक लॉग का रूल है, ए देखो बेस में है और बेस में ए है और जो पावर दिया है वो लॉग टी टू द बेस ए है, तो पावर का जो लॉग रहेगा लॉग का बेस और ये बेस अगर सेम हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए बेस में है लॉग का बेस भी ए है सेम है, तो ये बेस दोनों अगर सेम रहेगा तो ए लॉग टू द बेस ए निकल जाता है, आंसर सिर्फ ये टी आएगा, यानी कि लॉग के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा वही उसका आंसर आएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसे सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर टी मिल गया। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, टी हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ लॉग 9 टू द बेस 4 इन टू लॉग 2 टू द बेस 3, बहुत ईजी है। यहाँ पर भी जो गिवन एक्सप्रेशन है लॉग के फॉर्म में हम उसमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा log 9 टू द बेस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या दिया है, log 2 टू द बेस 3 दिया हुआ है, ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 9 अपॉन क्या आएगा, देखो log 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाई दिस इज log 2 अपॉन log 3 आएगा, चेंज ऑफ बेस लॉ हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा और मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, log 9 है ना तो 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई log 4 है तो हम इसे log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड ये एज इट इज़ रहेगा log 2 अपॉन log 3 ऐसे लिखेंगे हम। अगेन देखो यहाँ पर log का लॉ यूज़ होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर में जो रहेगा वो log के पहले आके इनटू हो जाता है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आपको दिया है log 2 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर log 3, कैंसिलेशन होगा कुछ, log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है हमें, ऑप्शन देखो यहाँ पर आपको दिया है डी ऑप्शन में 1 दिया है, तो ये करेक्ट है, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन 40 देखो आपको पूछा है, क्वेश्चन है log टू द बेस 2, फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है log टू द बेस 2, अगेन log 16 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो स्टार्ट करता हूँ देखो मैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है ये देखो आपका जो log टू द बेस 2 है और ये ब्रैकेट है ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट है log टू द बेस 2, हम ये पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा, log 16 टू द बेस 2 है तो log 16 टू द बेस 2 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका log ऑफ बेस 2 है ना, तो 16 को भी मैं 2 के पावर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 16 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और ये बेस तो 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। सिंपली हमने क्या किया है, 16 को रिप्लेस करके 2 का पावर 4 लिख दिया है, सो दैट
हम यहाँ पे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अगेन दिस ब्रैकेट इज़ क्लोज, दिस बिग ब्रैकेट इज़ क्लोज। सिंप्लीफाई करते जाना, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो ये देखो जाएगा ब्रैकेट में लॉग टू द बेस टू, फिर अगेन यहाँ पर ब्रैकेट लॉग टू द बेस टू, रूल्स तो आपको पता है 4 यहाँ पे पावर में है, तो ये लॉग के पहले आकर के इनटू हो जाएगा, रूल आपको पता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 इनटू, हम इसे लिख सकते हैं लॉग 2 टू द बेस 2, ये एज इट इज़ रहेगा, क्लोज कर दो बिग ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट लॉग टू द बेस 2, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट आपका। नाउ लॉग 2 टू द बेस 2 आपको पता है 1 होता है, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या बचेगा, लॉग 4 टू द बेस 2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फर्दर सिंप्लीफाई होगा ये, दिस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 रहेगा, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ये लॉग 4 आपको दिया है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बेस तो आपका 2 ही रहेगा यहाँ पे। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका लॉग टू द बेस 2। ठीक है, अब ये जो 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 लॉग के पहले आकर के इनटू हो जाएगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 टाइम्स, आप यहाँ पे लिखोगे लॉग 2 टू द बेस 2, सो दिस इज इक्वल टू लॉग 2 टू द बेस 2, लॉग 2 टू द बेस 2 आंसर 1 आता है, तो 2 इंटू 1 आपका ये 2 ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, देखो लॉग 2 टू द बेस 2 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 2, तो log 2 टू द बेस 2 बचेगा, एंड log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस आंसर आपका 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन देखो आपका सी करेक्ट है, बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखो हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 5 है, प्लस log टू द बेस 5 1 प्लस 1 बाई 6 है, प्लस 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 log टू द बेस 5 1 प्लस 1 अपॉन 624 है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सी ये log टू द बेस 5 दिया है, ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो आपका 1 प्लस 1 बाई 5 है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 वन ज़ा 5, 5 प्लस 1 6 बाई 5 आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 6 बाई 5 प्लस सेकेंड टर्म देखो log टू द बेस 5, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 वन ज़ा 6 प्लस 1, तो ये 7 बाई 6 हो जाएगा, लिख दो आप यहाँ पे 7 बाई 6 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे कंटिन्यू है। सी ये अब ये पैटर्न देखो आप देख रहे हो, 6 बाई 5 है, 7 बाई 6 है, और लास्ट का टर्म देखो आपको क्या दिया है, 1 प्लस 1 अपॉन 624 है। तो अगर आप ये दोनों टर्म को ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे 6 बाई 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बाई 5, यानी कि ये 6 है तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 7 हो जा रहा है, और ये 5 है तो एक वैल्यू डिक्रीज होकर के 6 हो रहा है। तो सेम वे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा log 5 टू द बेस 5, तो ये कितना मिलेगा देखो मुझे यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा log ऑफ 625 इंटू 1, तो 625 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 625 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 624 हो जाएगा, ये 625 डिवाइड बाय 624 हो जाएगा। अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, ये 6 बाई 5 है और ये 7 बाई 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 है तो नेक्स्ट टर्म इंक्रीज होगा 7, तो अगर देखो यहाँ पे 625 है तो इसके पहले वाला टर्म कितना होगा, एक कम रहेगा ना, जैसे देखो ये 6 है तो ये 7 है, तो इसके पहले का एक टर्म क्या आएगा, इसके पहले का एक टर्म आएगा आपका log ऑफ और टू द बेस 5, तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, ये 6 7 है तो यहाँ पे ये 624 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये 624 आएगा, log 624। ठीक है, log 624 अपॉन क्या आएगा देखो, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 6 हो जाता है, राइट, इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे देखो 624 है ना, तो यहाँ पे 623 आ जाएगा। तो अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 7 है ना, इंक्रीज़ हो रहा है ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 625 अपॉन 624 है, तो अगर मैं यहाँ पे 624 लूँगा तो यहाँ पर मुझे 623 लेना होगा, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉन 623। अब हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका ये log टू द बेस 5, कॉमन लेता हूँ मैं, एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, देखो ये आपका 6 अपॉन 5 आएगा, प्लस का इंटू हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 7 बाई 6 आएगा इंटू, अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा आपका देखो 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट अगेन आपको टर्म लिखना है तो नेक्स्ट क्या आएगा, 9 अपॉन देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा,
बिकॉज न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर भी आपका इंक्रीज हो रहा है इन टू, ऐसे आपका कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 623 × 625 × 624 मिल रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, दो कैंसिलेशन हो जाएगा आपका, 6 कैंसिल होगा, फिर देखो आपका 7 कैंसिल होगा, 8 कैंसिल होगा, इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये 9 भी कैंसिल होते जाएगा, अगेन आप कंटिन्यू करोगे तो देखो 624 भी कैंसिल होगा, और ये जो 623 है इसके पहले जो टर्म रहेगा उसके साथ में ये 623 भी कैंसिल होगा, तो आपका पूरा कैंसिलेशन होते जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या बचेगा, देखो यहाँ पे लॉग टू द बेस 5, यहाँ पर आपका बचेगा देखो 1/5 बचेगा इनटू, हाँ बाकी सब कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर देखो लास्ट टर्म का न्यूमरेटर बचेगा 625, ये देखो आपको बच रहा है। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसका डिनोमिनेटर बच रहा है और जो लास्ट टर्म है उसका देखो न्यूमरेटर बच रहा है 625। तो यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर बच रहा है और जो लास्ट टर्म है उसका न्यूमरेटर बच रहा है, यानी कि 625/5 बच रहा है, कैंसिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5, 625/5 करो कितना आएगा देखो 5 1 ज़ा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 तो ये 5 2 ज़ा हो जाएगा, 5 5 ज़ा हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट लॉग टू द बेस 5, 125 को हम 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं, पता है आपको। तो ये हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी 3 × log 5 to the base 5 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3 × log 5 to the base 5 1 होता है, तो आंसर आपको 3 मिलेगा। सो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन बी देखो आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी दैट इज 3 आंसर आएगा, बहुत ही आसान है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 42 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन है लॉग 512 to the base क्या दिया है, 2√2 दिया हुआ है, और यहाँ पे लॉग 324 to the base हमें 3√2 दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ, दिस इज लॉग 512, मैं सिंपली क्या करता हूँ ना इसे मैं चेंज ऑफ बेस लॉ में कन्वर्ट कर देता हूँ, बट पहले मुझे ये लिखना होगा लॉग देखो आपको 512 और यहाँ पे बेस में 2√2 दिया, ठीक है, इस टू मीन्स आपको डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा आपका लॉग 324 टू द बेस क्या दिया है 3√2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, दिस इज इक्वल टू, हम इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं, इसे देखो आप लिख सकते हो लॉग 512 डिवाइड बाय, आप इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ 2√2, हाँ चेंज ऑफ बेस लॉ, एंड फिर यहाँ पर देखो आपका टोटल डिवाइड आएगा, दिस यू कैन राइट लॉग ऑफ 324 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 3√2, समझा जाएगा मैंने क्या किया है, लॉगरिथम का हमने यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ किया हुआ है। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा देखो लॉग 512 डिवाइड बाय यहाँ पर है लॉग 2 × √2 डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो ये टर्म जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा लॉग देखो 3√2, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा लॉग 324, लॉग ऑफ 324, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो लॉग 512 है तो लॉग 512 को हम देखो ये वे से भी लिख सकते हैं, हाँ लॉग 512 आपको पता है 512 किसका स्क्वायर है, 512 8 का क्यूब है, 8 × 8 × 8 करोगे तो आपको 512 मिलता है, तो मैं इसे देखो 8 का क्यूब लिख देता हूँ डिवाइड बाय ये आपका लॉग 2 × √2 एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, देखो इसे भी मैं ऐसे लिखता हूँ लॉग 3 × √2 डिवाइड बाय लॉग 324, हाँ तो ये हो जाएगा आपका लॉग 324, 18 का स्क्वायर करोगे तो आपको 324 मिलेगा, 18 × 18 आपको 324 मिलेगा, तो मैं इसे लिखता हूँ लॉग 18 का स्क्वायर लिख देता हूँ, देखते हैं क्या आएगा अभी, तो बाई यूजिंग तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 3 log 8 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम डिवाइड बाय, और ये देखो आपका जो लॉग है 2 × √2 है, तो अगर मैं 2 को रूट के अंदर लूँगा तो वो स्क्वायर हो जाता है, मालूम है आपको कोई भी नंबर जब रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर होकर के जाता है, तो 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे लॉग रूट 8 लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पर देखो आपका लॉग 3√2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग
थ्री जब रूट के अंदर जाएगा तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तो नाइन हो जाएगा, नाइन टू ज़ा 18, तो आप लिख सकते हो लॉग रूट में 18 लिख सकते हो डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो ये टू मल्टीप्लाइड हो जाएगा लॉग के पहले और 2 log 18 बचेगा। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, आ जाएगा आंसर। सो दिस इज 3 log 8 अपॉन, देखो यहाँ पे रूट 8 है तो रूट 8 को मैं 8 रेस टू हाफ लिख सकता हूँ और हाफ जो है वो log के पहले आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हाफ इंटू देखो log 8 हो गया मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ अंडर रूट 18 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो रूट 18 को हम 18 रेस टू हाफ लिख सकते हैं और हाफ log के पहले आके इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ log 18 हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पर देखो आपका 2 log 18 कैंसिलेशन होगा, log 8 कैंसिल, log 18 कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो आपका बच क्या रहा है आंसर यहाँ पे 3/2 बच रहा है, इसे आप लिख सकते हो 3:2, तो आंसर आएगा आपका 3:2, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट है, बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में 43 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 0.01 दिया है, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना, मैं सिंपली क्या करता हूँ चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 0.01 है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 0.01 है तो हम सबसे पहले चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे तो इजी हो जाएगा ये, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ देखो यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 0.01, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ बेस लॉ। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा देखो लॉग ऑफ 1000 है तो मैं इसे लॉग ऑफ 10 का क्यूब भी लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 10 × 10 × 10 थ्री टाइम्स करेंगे तो 1000 हमें मिलता है, और ये देखो आपका डिवाइड बाय लॉग ऑफ 0.01 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ देखो अब मैं 1/100 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 1/10 0.1 आएगा और 1/100 किया तो 0.01 हो जाएगा, सो दिस इज़ इक्वल टू अब 3 यहाँ पर आ जाएगा लॉग के पहले तो 3 लॉग 10 डिवाइड बाय इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1/100 है तो 1/100 को मैं देखो 1/100 को मैं 10 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ राइट है। नेक्स्ट अभी देखो सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ये देखो आपका लॉग 10 डिवाइड बाय ठीक है, सो दिस आई कैन राइट लॉग ऑफ 1/10 का स्क्वायर है तो जब ये 10 का स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, रूल ऑफ इंडाइसेस आपको पता है, तो 10^2 जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 10^-2 हो जाएगा लॉग ऑफ 10^-2 ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है ये, सो दिस इज 3 लॉग 10 डिवाइड बाय 10 के पावर में -2 है तो लॉग के पहले आकर के वो इंटू हो जाएगा तो आप लिखोगे -2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा log 10 देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मिस्टेक किया हुआ है, ये log 1000 log 10000 है तो आप इसे log 10000 कर लो, ये भी आपका देखो log 10000 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 का पावर 4 आएगा फिर हाँ बिकॉज 10000 को आप 10 का पावर 4 लिख सकते हो तो यहाँ पे 3 के प्लेस पे ना आप 4 कर लो करेक्शन 4 log 10 अपॉन ये तो बराबर है तो ये 3 के प्लेस पे जस्ट आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है, बाकी सब तो कैलकुलेशन बराबर है यहाँ पे 4 log 10। अब इससे क्या होगा देखो log 10 आपका कैंसिल हो गया, 4 को -2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा -2 आएगा, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन बी दिया है वो करेक्ट है -2। तो क्वेश्चन नंबर 43 बहुत आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने लॉगरिथम का टोटल आपको 43 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से मैंने टोटल 43 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2006 से लेकर के ईयर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड थे सब मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, दैट मीन्स रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद मैंने फिर देखो इंडाइसेस और उसके बाद फिर लॉगरिथम, सो ऑल द 3 टॉपिक्स का मैंने ईयर 2006 से लेकर के ईयर 2019 के ऑल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे अगर आप मेरा ये वीडियो लेक्चर देखते हो तो।
सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।